देखो ये मरते जगत है, यहाँ पर सबको मरना पड़ता है, बताओ कौन नहीं मरेगा? आज हो नहीं तो 100 साल के बाद में हो, सबको ही मरना है क्योंकि ये मरते जगत है। बोले मैं मरना नहीं चाहता। बोले बताओ दुनिया में कौन मरना चाहता है? कोई चाहते हो मरना? बताओ, कोई मरना नहीं चाहते हैं? कोई तो मरना नहीं चाहता, लेकिन मरना ही पड़ता सबको। बोले कल प्रभु राम ने प्रतिज्ञा की मारेंगे, और भी अच्छा है, क्योंकि भगवान को हाथों से मरे तो उनको मुक्ति मिलती। बोले नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। बोले एक काम करो, जाओ माता अंजना जी की शरण में जाओ। अंजना कौन है? अंजना कौन है? हाँ, हनुमान जी की मैया का नाम है अंजना। बोले अंजना जी की शरण में जाओ। उनने जा करके माता अंजना के चरण में रोने लग गए। कहना माताओं का जो हृदय है ना, बड़ा सरल होता है। बोले बेटा क्या बात है, क्यों रो रहे हो? बोले आप पहले प्रतिज्ञा करो, फिर मैं बताऊंगा। बोले मैं प्रतिज्ञा करती हूँ, तेरे को प्राण दान दूंगा, हैं? तेरे को मरने नहीं दूंगा, बताओ क्या बात है? बोले कल मेरे को विश्वामित्र मरवाना चाहते, इसलिए आप मेरे को बताना। जब उन्हें इंग्लिश बात मिले तो कोई बात नहीं, जाते तो कि अंदर ही बैठे, अभी अंदर ही बैठे हुए। कितने में से हनुमान दलाल जी आए, रोज जी से प्रभु राम की चरण की सेवा करते हुए शाम को वापस आए। देखा भैया अंजना बड़ी दुखी होकर गए थी। हनुमान जी बोले माता जी, आप दुखी हो और मेरे जी से बैठे रहते हुए अगर माता दुखी होकर जीवन बिता रहे। बोले बेटा पहले एक पति क्या करो, मैंने एक सनार के घर के लिए आश्रय दिया है, उसको प्राण रक्षा करने के लिए तैयार प्रतिज्ञा करो, फिर मैं बताऊंगा। बोले मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, जब तक मैं रहूंगा शरणागति व्यक्ति कुछ नहीं होगा। बोले सुखांत बाहर आ। बोले बेटा क्या बात है, बताओ क्या बात है? बोले कल भगवान राम ने प्रतिज्ञा की, सवेरे मेरे को मारेंगे। अंजना बोली तेरे को पता रहता विश्वामित्र मरना चाहते। बोले विश्वामित्र जी राम को द्वारा मेरे को मरवाएंगे। हनुमान जी ने देखा कि तो बीच में फंस गया। अगर और कोई व्यक्ति होता है ना, फिर तो मैं कोशिश करता, लेकिन भगवान राम ने ही प्रतिज्ञा की है मारने के लिए, इसलिए भगवान को बताया सत्यम परम धीमहि। मतलब है भगवान की जो प्रतिज्ञा है ना, वो कभी नष्ट नहीं होता। भगवान की प्रतिज्ञा कभी नष्ट नहीं होता, वो जो प्रतिज्ञा करते हैं वो प्रतिज्ञा पूर्ण होती है। हनुमान तो बीच में फंस गए, अभी क्या किया जाए? एकदम सवेरे सवेरे पहुंच गए अयोध्या। प्रभु राम एकदम श्रृंगार कर रहे थे, सज्ज कर रहे थे युद्ध के लिए जाने के लिए। बोले प्रभु जी कहाँ जा रहे हो? बोले सुकांत को मारने के लिए। बोले प्रभु क्यों एक जीव को मारोगे, छोड़ दो। बोले नहीं, उसने मेरे गुरु जी के चरणों में प्रणाम नहीं किया,
जिस दुष्ट ने मेरे गुरु जी के चरण में प्रणाम नहीं किया इसका सर में काट दूंगा, मैंने प्रतिज्ञा की। हनुमान जी बोले प्रभु मैं भी प्रतिज्ञा किया हूँ उसको रक्षा करना। बोले तुमने कैसे प्रतिज्ञा कर दी? बोले प्रभु मेरे को पता ही नहीं था, मैं तो बीच में फंस गया। बोले तू जो करना कर, मैं तो जरूर मारूंगा। इतने में श्री हनुमान जी बोले सुकांत जी आप मेरे साथ में आओ। अभी सुकांत जी बोले कहीं चले गए और जा करके बोले कोई चिंता नहीं कर मेरे पीछे बैठे। और पीछे बैठ करके चलो दोनों हम ठाकुर जी के नाम जप करते हैं। बोले रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, जय रघुपति राम राजा राम पतित पावन सीताराम, जय रघुपति राम राजा राम पतित पावन सीताराम, जय रघुपति राम प्रभु राम जी सवेरे सवेरे आए। बोले सुकांत कहाँ गया? बोले एक बंदर ने आकर के उसको लेकर गया। बोले भैया कौन सा बंदर है? वो समझ गए ये हनुमान जी लेकर गए होंगे। अभी ढूंढते ढूंढते देखा हनुमान जी के पीछे सुकांत बैठा या पूछ के नीचे और दोनों प्रभु का नाम जप कर रहे थे। एक तो भय से जप कर रहा था और एक प्रेम से जप कर रहा था। बोले प्रेम से कौन जप कर रहा था? बोले हनुमान जी। बोले भय से कौन जप कर रहा था? बोले सुकांत। इधर का नाम जप कर रहा है और उधर हनुमान जी को कहता है कि जो दो अक्षर जो राम है क्या राम से बचा पाएगा? हनुमान जी बोले चिंता मत करो, हरि से बड़ा हरि का नाम निश्चित होकर के नाम जप करो। बोले दो अक्षर राम ही हमको बचा देगा, तो चिंता क्यों करते हो? इतने में प्रभु राम ढूंढते ढूंढते आए, देखा ये दोनों को। इतने में भगवान राम उठाया था कुछ, भगवान की बाह कैसे अचूक है, जब केवल स्पर्श करते हैं धनुष को वो एक गुना होता है, जब निकालते होता है सौ, जब चढ़ाते होता है हजार, जब खींचते होता है लाख, जब प्रहार करते हैं लाख गुना बन करके और उसको प्राण ले जाते हैं। भगवान का बाण कभी अभ्यर्थ नहीं होता। देखो भगवान के नाम में कितनी शक्ति है। जब भगवान राम ने उठाया धनुष और मारे, लेकिन वो प्रभु का नाम जप कर रहे थे और जो नाम रूपी जो चक्कर है ना, नाम रूपी जो चक्कर है वो चारी तरफ में उनको रक्षा कर रहा था। जब उन्होंने बाण मारे, मारे तो बाण लेकिन जाता है, लेकिन बाण गिर जाता है क्योंकि जो चक्कर को अंदर में वो बैठे हैं, ठाकुर का नाम जप कर रहे हैं ना। इसलिए मीरा कहती है नामी को चिंता रहती है, नाम ना हो बदनाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। जो व्यक्ति भगवान के नाम लेते हैं बोले हरि को चिंता रहती है। जब आप ठाकुर जी के नाम लो भगवान को क्या चिंता रहती है? नाम ना हो बदनाम, मेरी नाम बदनाम नहीं होनी चाहिए। इसलिए हरि से बड़ा हरि का नाम। चोट तक प्रहार करते हैं लेकिन बाण गिर जाता, कुछ नहीं हो रहा। हनुमान जी को तो बड़ा क्रोध आया, बोले तो प्रभु का तंग कर रहा है। लक्ष्मण जी उठाया धनुष, उठा करके उन्होंने सुकांत को पीछे तो बैठा हुआ, जो उन्होंने बाण मारा ना वो हनुमान जी पहले बैठे हुए,
वो बाण जाकर के हनुमान की बक्ष्य स्थल में लगा, लगा तो हनुमान जी की बक्ष्य स्थल में, इतने में भगवान राम बेहोश हो गए। भगवान राम बेहोश हो गए, बोले क्यों बेहोश हो गए? क्योंकि हनुमान जी के हृदय में कौन बैठे हैं? कौन बैठे हैं? राम बैठे हैं। अब लोग रामायण सुने होंगे, बोले जिस समय प्रभु राम माता सीता को उद्धार करके लाए, मैया सीता इतने प्रसन्न हो गई, बोले हनुमान अगर तू नहीं होता ना, मेरा उद्धार होना असंभव है, इसलिए मैं तेरे ऊपर में बहुत प्रसन्न हूँ। आज एक चीज तेरे को देना चाहता हूँ। मैया सीता ने अपना गले से जो भुक्ता की हार थी उतार करके हनुमान जी को दिया, और हनुमान जी एक मोती लेकर के ना देखता था, दांत में तोड़ देता था, देखता था फेंक देता था, दांत में तोड़ता है देखता है फेंक देता है। मैया सीता को बड़ा क्रोध आया, तेरे को इतने कीमती हार दिया और तू दांत में काट काट कर फेंक रहे हो, बंदर को आदर का स्वाद क्या बता है, है? तुम इसको फेंक रहे क्यों? बोले माता जी मैं देख रहा हूँ कि ये मोती में मेरे प्रभु सीताराम का कोई छवि है कि नहीं, जिसमें मेरी प्रभु सीताराम का कोई छवि नहीं हो हनुमान उसको धारण नहीं करता है। मैया बोली बात तो बड़े बड़े करते हो, अगर ऐसे हो तो तेरे शरीर में क्या सीताराम बड़े शरीर को फेंक दे? बोले दिखाना देखना चाहते, बोले क्या दिखाओगे? बोले देखो, इतने में हनुमान को अपना छाती को फाड़ दी। मैया सीता देखा सचमुच से हनुमान जी के हृदय में सीताराम की निवास है, मैया समझ गए, इसलिए बाण लगा कहाँ पर? हनुमान जी की छाती में। लेकिन बेहोश कौन हो गए? प्रभु राम बेहोश हो गए। जब बेहोश हो गए, जब इतने में होश आया, इतने में भगवान राम सुकांत जी को प्रश्न करते, बोले सुकांत ये बताओ कौन सा दुष्ट संघ में तेरी ऐसे बुद्धि हुई जो कि तुमने मेरे गुरु जी को प्रणाम नहीं किए? बोले प्रभु जी दुष्ट संघ से नहीं सत्संग से हुई। बोले सत्संग से हुई, कौन सा सत्संग से? बोले से नारद जी की सत्संग से। भगवान ने पूछा नारद जी तुमने ये गलती से क्या क्यों दिया? बोले प्रभु मैं जहां जहां जाता हूँ सारा दुनिया मेरे को एक ही प्रश्न करते हैं, भगवान ने बड़ा ना उनका नाम कर, सारा दुनिया मेरे को यही प्रश्न कहते हैं, और मैंने सोचा ऐसे एक काम करके दुनिया को दिखा दो, सारा दुनिया को पता किया चल जाए हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा।